क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है और मुझे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हमने दे रखा है y is equal to 1 when x is y is equal to 1 when x is equal to 1, y की वैल्यू भी एग्जैक्ट y की वैल्यू भी 1 है जब x की वैल्यू 1 होगी तो, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर x plus y dy plus x minus y into dx is equal to 0 ये दे रखा है। तो आप ये देखिए dy के साथ x और y दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से dx के साथ x और y दोनों आ रहे हैं, तो मैं वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा इसमें। Variables can't be separated. X plus y dy is equal to minus x minus y dx. Dx को इधर ले आओ. Dy by dx. Dx इधर आ गया. Is equal to minus x minus y upon x plus y. ये dy by dx की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी होती है। जब भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी होती है और फिर जो dy by dx की वैल्यू आती है उसको हम मान लेते हैं f x comma y, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसको मैंने मान लिया f x comma y और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर ये प्रूव करने के लिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम कैलकुलेट करेंगे f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। तो ये f x कॉमा y ये क्या लिया था, ये था माइनस ऑफ x माइनस y। लैम्डा x कॉमा लैम्डा y का मतलब ये है कि जहां पर x है वहां पर लैम्डा x डाल दो, जहां y है वहां पर लैम्डा y डाल दीजिए। तो ये x की जगह आ गया लैम्डा x माइनस y की जगह आ गया लैम्डा y अपॉन x की जगह डिनोमिनेटर में भी लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। न्यूमरेटर में माइनस तो बाहर है ही, आपने लैम्डा कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा x माइनस y, डिनोमिनेटर में भी आपने लैम्डा कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचा x प्लस y, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचता है माइनस ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक है। माइनस ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y एंड this is equal to minus of x minus y upon x plus y, this is equal to f x y, this is equal to f x comma y, therefore it is a homogeneous differential equation. ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब dy by dx देखिएगा क्या है, therefore it is a homogeneous differential equation, ठीक है, बस इतना ही करिए। so let y is equal to vx, जब y is equal to vx हो जाएगा तो dy by dx हो जाएगा v plus x dv by dx। Put this value in first equation. इसको first equation में डालेंगे तो dy by dx की जगह तो ये value डाल दो v plus x dv by dx is equal to ये है minus x minus y upon x plus y, तो minus as it is और x की जगह क्या आ जाएगा lambda x, sorry माइनस एक्स माइनस वाई है, एक्स तो एज इट इज रहेगा, वाई की जगह बी एक्स आ जाएगा बस,
एक्स और वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई तो एक्स एज इट इज रहेगा, वाई की जगह वी एक्स, एक्स प्लस वी एक्स, तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। न्यूमरेटर में से माइनस तो है ही, एक्स और निकाल दो बाहर, ये बचा वन माइनस वी अपॉन, यहां भी एक्स बाहर निकाल दो, ये बचा वन प्लस वी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, और फिर ये प्लस वी था इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस वी, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा माइनस वी इंटू वन प्लस वी। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। बताइए जी, क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है। अभी ये एक्स डीवी बाई डी एक्स इतना आ गया, अगला करते हैं स्टेप, यहां कर रहा हूं आगे, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वी, प्लस वी माइनस वी है और ये प्लस का वन है, माइनस वी, माइनस वी इंटू प्लस वी, माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, ठीक है, माइनस वी प्लस वी कैंसिल आउट हो गया, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वन प्लस वी। अब ये वी वाले टर्म्स को इधर ले आओ, एक्स वाले टर्म्स को इधर ले जाओ, तो ये माइनस वन माइनस वी स्क्वायर यहां पर न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डीवी अपॉन माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा वन प्लस वी, और ये डीएक्स नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा, एक्स ऊपर था तो नीचे, यानी कि डीएक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और अब आप क्या करिए, जैसे ये वन प्लस वी है इसको जरा इस तरह से लिख लो, वी प्लस वन कर लो, और डिनोमिनेटर में था माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, तो इसको करो वी स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस वन वन ले लिया। अब इस माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, और वी स्क्वायर प्लस वन का जो डिफरेंशियल है तो इसमें पहली पहली टर्म देखेंगे बस, जैसे वी स्क्वायर है तो जब वी स्क्वायर मेरे पास आ गया तो वी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, टू वी, ठीक है, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशियल मेरे पास टू वी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मुझे ऊपर सेपरेट कर लेंगे दोनों को, बिल्कुल ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस को तो ले जाओ उधर, ये सेपरेट करिए, b इनटू b स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस dv अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ये हो गया। ये करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन डीवी प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब देखिएगा, अब इसमें v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 है, v स्क्वायर प्लस 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर ऊपर चाहिए हो तो वो क्या होगा, 2v, तो मैं क्या करूंगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 से यहां नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 1 upon 2 as it is, नीचे डिफरेंशियल है, नीचे फंक्शन है और ऊपर एग्जैक्ट उसका डिफरेंशियल है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशियल है, तो ये हो जाएगा log mod b square plus 1 plus 1 upon x square plus 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रल क्या होता है tan inverse x, तो इसी तरह से 1 upon b square plus 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan inverse b, तो ये हो जाएगा tan inverse b is equal to minus log x log mod x और प्लस सी बोल दीजिए या सी वन बोल दीजिए, फिलहाल तो सी वन बोल रहा हूँ, चलो सी ही बोल दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू, इसको मैं बोलूंगा बल्कि लेकर आइए इसको भी, माइनस लॉग एक्स को भी इधर लेकर आओ, ये मेरे पास हो गया 1/2, ओके दिखाई नहीं देगा नीचे, ऊपर करता हूँ इसको, तो देखिएगा 1 upon 2 है ना जैसे बाहर, तो जब बाहर कोई भी टर्म लॉग से पहले जो मल्टीप्लाई हो रही होती है ना उसको लॉग के बाद पावर में लाया जा सकता है। एक मिनट वेट करिए, मेरा ना वीडियो पॉज होगा, प्लीज एक मिनट। चलिए जी देखिए, ये मेरे पास जो भी कोई टर्म अगर लॉग से पहले लिखी हुई है तो वो ना पावर में आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट, ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा लॉग मॉड बी स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस लॉग मॉड एक्स था, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस लॉग मॉड एक्स, प्लस टैन इनवर्स वी इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। अभी जो v है ना मैंने क्या लिया था, y को मैंने लिया था vx, तो v क्या हो जाएगा y upon x, तो जहां पर भी v है वहां पर y upon x डाल दीजिए और जो x है उसको ऐसे ही रहने दो, बस v की जगह y upon x डाल देना है, तो log under root y square upon x square plus 1 plus log mod x plus tan inverse y upon x plus c, log a plus log b क्या होता है log a b, तो log under root ये क्या हो गया y square plus x square upon x square into x, ये हो गया plus tan inverse y upon x is equal to c, तो log a plus log b क्या हो गया log a into b, और अब आप ये देखिए अंडर रूट में या डिनोमिनेटर में x square दे रखा है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल कर x हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया log अंडर रूट x square plus y square upon x multiply by x, तो यहां देखिएगा x से x कैंसिल आउट हो गया प्लस tan इनवर्स y upon x is equal to c, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया log mod under root x square plus y square plus tan इनवर्स y upon x is equal to c, दिस इज my जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आया है और इन्होंने बोला है कि मुझे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इन्होंने बता दिया है कि y is equal to 1 when x is equal to 1, x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब निकालना होता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है, जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू निकालनी होती है और c की वैल्यू निकाल कर उसको वापस जनरल सॉल्यूशन में रख देना होता है, तो आप देखिएगा कैसे करूंगा मैं इसको, उन्होंने बोला है y is equal to 1 when x is equal to 1, है ना,
ना, तो उसी चीज को हमें यहां जाकर सॉल्यूशन बनाना होगा। गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, इसको डालिएगा यहां पर, तो log अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x की जगह भी 1 y की जगह भी 1, ठीक है, और tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू c, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log रूट 2 और ये tan इनवर्स 1 यानी कि pi by 4 is equal to c, c की वैल्यू ये आ गई, put this value in general solution, put this value of c in general solution, तो general solution ये आया था मेरे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा log mod log under root sorry x square plus y square plus tan inverse pi upon x is equal to log root 2 plus pi by 4। बताइए जी क्लियर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार। मैं देखो 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 9.5 क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने क्या करा कि ये log अंडर रूट x square plus y square है ना, इसको x square plus y square की power 1/2 करके 1/2 को बाहर ले लिया और फिर LCM ले लिया, तो वो पूरी तरह से ठीक है, हमारा भी ठीक है, उनका भी ठीक है। बताइए जी क्लियर है सर, तो यस सर क्लियर है सर, 13 वाला बता रहा हूँ अभी। अच्छा नियति एग्जाम कैसा हुआ? सही था सर, ये आया था डिफरेंशियल में होमोजेनियस और ये वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल आ गया था। अरे क्या करते हैं, सॉल्ट एग्जांपल था एनसीईआरटी का, वो आया था, वो तो हुआ नहीं होगा फिर, अच्छा हो गया था मुझसे, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल्स पढ़े तो उसी में से आ गया था, तो कर लिया था। चलो जी 13 देखते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, x sin square y upon x minus y dx plus x dy is equal to 0, y is equal to pi by 4 when x is equal to 1, x sin square y upon x minus y x into sin square y upon x minus y minus y और ब्रैकेट के बाहर dx plus x dy plus x dy is equal to 0, ये दे रखा है, तो यहां पर भी आप ये देख लीजिए, जैसे ही आपको ये नजर आता है ना कि ये y upon x दे रखा है मुझे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगेगी, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन जो साइन फंक्शन है उसके अंदर वाई अपॉन एक्स दे रखा है, तो आप चाहो कि आप इसको सेपरेट कर लो नहीं कर पाओगे, वाई को अलग और एक्स को अलग, तो वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट एप्लीकेबल, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे सबसे पहले, तो डीवाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना होगा, इसमें आप जो ये dx वाला टर्म है ना, इसमें से तो आप सबसे पहले x कॉमन लीजिए, इसमें से x कॉमन लीजिए, देखो क्या होगा उससे, अगर y upon x मिल जाता है ना मुझे अपने आप ही, अगर y upon x मिल जाता है तो मेरा काम काफी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे y upon x की वैल्यू चाहिए होती है, भाई हम लेते हैं ना y is equal to vx, तो y upon x मतलब v मिल जाता है मुझे,
तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये जो है पहला वाला पैकेट, इसमें से आप x कॉमन लीजिए एक, तो मैंने x जैसे कॉमन लिया तो यहाँ इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, बल्कि ये और ये दोनों टर्म्स दे रखी है, तो थ्रू आउट आप x ले लीजिए कॉमन, तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस, फिर यहां से जब आपने y में से x कॉमन लिया है तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो आपने y को x से डिवाइड करा है, तो ये हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। अच्छा, और dx, dx उस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरे ब्रैकेट में dx मल्टीप्लाई हो रहा था, और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स थी, एक ये और एक ये, इसमें से आपने x कॉमन ले लिए। ये जो अगला x dy है ये इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसमें से भी x कॉमन लिया है, तो x बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर केवल dy बचा। अब ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया हो तो बताइए। आकर्ष क्लियर है? यस सर क्लियर है। अदिति बताइए समझ गए इतना? अदिति क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, डैना बताइए, डैना मुस्कान क्लियर है? यस सर। मयंक? यस सर। सर क्लियर है। ओके ओके ओके, अब जैसे ये x है, ये x चला गया इधर जीरो के नीचे, तो जीरो अपॉन x कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये मेरे पास बचा अब साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y अपॉन x इंटू dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर पूरे लेफ्ट हैंड साइड में से x कॉमन लिया था, वो x तो 0 के नीचे जाकर 0 हो गया, टोटल खत्म हो गया। अब dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x पूरा ब्रैकेट वन और dx, dx को उधर ले आओ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x, ये हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब ये वैल्यू मेरे पास आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, तो बेटा इसको मैं मान लेता हूं क्या, f x कॉमा y, ये मान लिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकालते हैं f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर लैम्डा x डालो, जहां जहां पर y है वहां वहां पर लैम्डा y डालो, तो ये हो गया लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, यहां पर भी लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या बचा y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x व्हिच इज इक्वल टू fxy, which is equal to fxy, therefore therefore it is a homogeneous differential equation, ये homogeneous differential equation है, तो जब ये मेरे पास आ गया तो अब मेरा अगला काम क्या है, let y is equal to vx, differentiate both sides with respect to x, तो dy by dx क्या आ जाएगा, v plus dy by dx की वैल्यू आ गई v plus x dv by dx, ठीक है। तो जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, अब इनको इक्वेशन वन में डालना है, put these values in first, इन वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो देखिए कैसे होगा,
फर्स्ट में डाल दिया, तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर, ये है डीवाई बाई डी एक्स, इसकी जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वो तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह आ गया, और जहां जहां पर वाई है वहां वहां पर वी एक्स डाल दो, तो वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, Vx upon x, या सीधा सीधा भाई y is equal to vx है, तो y upon x का मतलब v ही हो गया, तो v लिखो सीधा minus sin square v, ये हो गया। अब ये जो v है इसको उस तरफ ले जाओ, x dv by dx is equal to v minus sin square v minus v, ये cancel out हो गया, तो अब ये साइन स्क्वायर वी को इधर ले आओ, डीवी अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वी, जानबूझ कर लेकर आया हूं माइनस साइन यहां पर, आपको पता होगा क्यों, फिर डीएक्स को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर वी क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वी डीवी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये जो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वी है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताइए भाई, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वी का क्या हो जाएगा, प्लस कॉट वी, इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर वी डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स, अब देखिएगा हो जाएगा कॉट बी इज इक्वल टू, जब डी एक्स अपॉन एक्स लेंगे ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, क्या चीज, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, और कुछ वैल्यू भी दी थी इन्होंने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, y is equal to pi by 4 when x is equal to 1, ये दे रखा है, तो अच्छा पहले इसको y और x में कन्वर्ट करिए, तो जब v है तो v को क्या बोलेंगे, y upon x, cot y upon x is equal to log mod x plus c, अब ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और ये मुझे दे रखा है यार 13th में y is equal to pi by 4 when x is equal to 1, y is equal to pi by 4 when sir जी sir recording भेज देना sir, disconnect हो रहा है मेरा बार बार, हाँ मैं भेज दूंगा कोई बात नहीं, y is equal to pi by 4 तो y की जगह pi by 4 डाला और x की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया cot pi by 4 upon 1, यानी कि cot pi by 4 is equal to log mod 1 प्लस सी, अभी कॉट पाई बाई फोर कितना होता है 1 और लॉग 1 कितना होता है 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू होगी 1, तो अब आप क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1, बताइए जी क्लियर है, यस सर, यस सर, वो जस्ट क्लियर है, यस सर, ठीक है जी, और बताइए होमोजेनियस में और कोई डाउट हो तो, नो सर, ठीक है, तो फिर ना मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, ये पेज नंबर 407 पर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस।
सीरीज होती है वो गीली है। अरे माइक ऑफ कर दो, थोड़ा इसमें आवाज आ रही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिखी हुई दिखाई दे, जैसे dy by dx plus py is equal to q, मतलब dy by dx हो और यहां पर एक y वाला टर्म हो और y वाले टर्म के अलावा कुछ और लिखा हुआ हो, मतलब इधर dy by dx में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसमें एक y अलग हो जाए, उसमें एक y अलग हो जाए तो जो बचा हुआ टर्म है ना p होगा, और जो इस तरफ है इधर एक टर्म आ जाए q, मतलब कोई भी जो इस तरफ राइट हैंड साइड पर टर्म है उसको हम बोलेंगे q, ठीक। तो इस तरीके की अगर मेरे को कोई इक्वेशन दिखाई दे यहाँ पर p एंड q के बारे में ये कहा जाता है कि जो p और q होते हैं वो टोटली दे आर फंक्शन ऑफ x ओनली, उसमें y नहीं होता, ठीक है। ये जो p है और ये जो q है these are functions of x only, मतलब इसमें केवल x वाली ही टर्म होगी। अगर मान लीजिए इधर q है और q मान लीजिए लिखा हुआ है sin x, तो इसका मतलब sin x ही होगा, sin y नहीं होगा उधर, या sin x square होगा या sin x cube होगा, मतलब x वाले टर्म्स होंगे उसमें, आपके पास y वाले टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, और dy by dx होगा। सर ये x वाले टर्म्स होंगे तो ये y साथ में लिखा हुआ है p में, तो क्या मतलब कि y मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग? एक टर्म है y, बस एक ही y होगा उसमें, तो उस y को अलग कर देंगे, उसके अलावा जो भी कुछ बचेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है y sin 2x, तो sin 2x तो मेरे लिए हो गया p, और y अकेला रहा, y को अकेला रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब इस फॉर्मेट की अगर इक्वेशन मिलेगी जहाँ एक तो होगा dy by dx और दूसरा होगा y, और y में कोई एक ऐसी टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी जिसमें सिर्फ x के ही फंक्शन होंगे, वेरिएबल के नाम पर सिर्फ x वाले टर्म्स होंगे, ठीक है। तो वो जो y के अलावा वाली जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको भी बोल दूंगा, और जो राइट हैंड साइड पर टर्म होगी उसमें भी केवल x के फंक्शन होंगे, उसमें y बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ एक y होगा, समझ गए? ठीक है सर। तो इस तरीके की इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इसके इन्होंने ना बुक में यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखिएगा सर। हाँ सर, एक बार ये दोबारा बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अभी बता रहा हूँ, हमने कहा कि अगर इस तरीके की फॉर्म की कोई इक्वेशन मिलती है dy by dx plus py is equal to q, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इस तरीके की कोई इक्वेशन, तो जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है, इस टाइप की कौन सी इक्वेशन, तो जरा देखते हैं, एक मिनट रुकिए बस। देखो एग्जांपल के तौर पर dy by dx plus y is equal to sin x, तो यहाँ y में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो ये जो 1 है ये तो मेरे लिए हो गया p, और जो ये वाला टर्म है ये मेरे लिए हो गया q। एक तो ये एग्जांपल, ऐसी दूसरा एग्जांपल देखो dy by dx plus 1 upon x into y is equal to e की पावर x, तो ये वाला जो टर्म है ये मेरे लिए हो गया p, और ये जो e की पावर x है ये हमारे लिए क्या हो गया q, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। ऐसे थर्ड एग्जांपल देखो dy by dx plus y
एन अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं ना, क्या वाई अलग निकल सकता है इसमें से? बिल्कुल निकल सकता है. तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, और वाई अलग निकाल लो इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. तो ये वाला जो टर्म है ये मेरे लिए टी हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो गया क्यू. बताइए जी क्लियर है इतना, पी और क्यू समझ में आ गया इसमें? भाई वाई को अलग रखा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ लिख दिया वन अपॉन एक्स लॉग एक्स. तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स ये पूरा टर्म, दिस इज पी फॉर मी एंड वन अपॉन एक्स ये क्यू हो गया हमारे लिए. बताइए समझ में आ गया? संजना शिवांगी बताओ क्लियर है दोनों? यस सर, यस सर. ओके जी, अब जो ये इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो वो आप सीधे सीधे स्टेप्स देखिएगा कि जैसे ही मुझे ये इस तरीके की कोई इक्वेशन दिखती है, dy by dx plus py is equal to q, जैसे ही ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है तो मैं अपने आप ही कह देता हूँ कि हाँ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिएगा. इधर लिख रहा हूँ स्टेप्स टू सॉल्व इट. सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई dy by dx plus py is equal to q. पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा कि ऐसी इक्वेशन है या नहीं है, और फिर यहां से मुझे p की वैल्यू पता चल जाएगी और q की वैल्यू पता चल जाएगी. फिर क्या करना है, फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसको बोलते हैं IF. ये क्या हो जाएगा, e raised to the power integration p dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर I is equal to e raised to the power integration p dx. और फिर सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, थर्ड स्टेप में इसका सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन ऑफ सच अ, सॉल्यूशन ऑफ सच अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी वाई इंटू आई एफ, y into if, if is an integrating factor, is equal to integration q into if dx plus c, plus c, plus ये करना होता है. y में integrating factor को multiply करिए, is equal to q में integrating factor को multiply करिए, और x के respect में dx लिखा है ना, x के respect में q into if को multiply करके x के respect में integrate करो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. अब जैसे मैंने ये देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्मेट की मैंने आइडेंटिफाई करी, dy by dx plus py is equal to q, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम dy by dx कैलकुलेट करने से ज्यादा बेटर समझते हैं कि dx by dy कैलकुलेट करो, कि x वाले को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कि dy by dx ना करके हम dx by dy कैलकुलेट करें. कई बार ऐसा होता है कि वो हमें आसान पड़ता है. तो देखिएगा कि अगर dy by dx ना देकर dx by dy की फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बेहद आसान है. जैसे इसके स्टेप्स थे बिल्कुल उसी के जैसे उसके स्टेप्स हैं, यहां पर हम कहेंगे स्टेप्स टू सॉल्व
linear differential equation of type dx by dy प्लस अब देखिएगा जैसे dy by dx था अब dx by dy है तो यहाँ p के साथ में फिर y नहीं आएगा x आएगा सर शायद से ये dx by dy वाली फॉर्म कट गई है चलो कोई बात नहीं कर दो बस आपको दो मिनट लगेंगे समझने में हम dy by dx का ही करते हैं क्वेश्चंस और आप इसको समझ लीजिए जरा सा ही है बस सब्स्टिट्यूट सॉल्व लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप दिस अब इसमें देखिएगा आइडेंटिफाई p and q ये आइडेंटिफाई कर दिया इन dx by dy plus px is equal to q p और q को आइडेंटिफाई कर लिया फिर सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिएगा जो if है वो इस वाले फॉर्मेट में क्या था e की पावर इंटीग्रेशन p dx तो अब क्या हो जाएगा अब हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e is equal to integration p dy अब dy हो जाएगा और थर्ड में सॉल्यूशन ना इसका सॉल्यूशन देखिए मतलब बस एक आप समझ लीजिए एक अंतर है x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा ठीक है जैसे यहाँ पर p और q जो फंक्शंस थे दे आर फंक्शंस p और q जो आपके टर्म्स थे दे आर फंक्शंस ऑफ x ओनली तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है इसमें p और q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली ठीक है इस वाले में p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ था y into integrating factor यहाँ उल्टा हो जाएगा x into integrating factor x into if is equal to integration q into if with respect to x dx अब करेंगे with respect to y is equal to integration q into if dy plus c बताइए जी क्लियर है इतना बताइए समझ गए हाँ जी सर ठीक है अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं केस नंबर 409 पर ही एग्जांपल नंबर 19 है सबसे पहले ये देखेंगे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy / dx - y is equal to cos x तो मेरे को एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो देखो Example 19 जो है, find the general solution of the differential equation dy by dx minus y is equal to cos x. dy by dx minus y is equal to cos x. ये है, तो हम समझ गए कि ये linear differential equation है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे. dy by dx plus py यानी कि minus 1 into y is equal to cos x. Here p is equal to minus 1 and q is equal to cos x. तो integrating factor क्या हो जाएगा e की power integration p dx. तो e की power integration minus 1 dx. अभी माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो e की पावर माइनस वन और इंटीग्रेशन dx dx का इंटीग्रल क्या होगा x ये हो गया e की पावर माइनस x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर माइनस x अब ये करने के बाद में सीधा सॉल्यूशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन विल बी y into if
इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू i f dx plus c y into e की पावर माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है cos x और i f क्या है e की पावर माइनस x dx plus c. अब क्या करना है, अब जी देखिएगा इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा e की cos x into e की पावर माइनस x. तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, जितना भी मेहनत है वो इसको इंटीग्रेट करने में ही है. तो हमारा जनरल सॉल्यूशन तो इतना आ गया, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा. ये जनरल सॉल्यूशन आया है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. और यहां से ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन cos x into e की पावर माइनस x, इसको मैं मान लूंगा, अलग से सॉल्व करूंगा इस इंटीग्रल को. तो इसको मैंने मान लिया आई, इसको मैंने इंटीग्रल आई मान लिया. अब इस इंटीग्रल आई को मैं अलग से सॉल्व करूंगा. देखिए जी, मैं मिटा रहा हूं इधर से, यहां करना स्टार्ट करते हैं इसको. और जब वैल्यू आएगी तो उसको हम फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एक मिनट रुकिए बस. ये हो गया आई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स. इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ई की पावर एक्स के साथ में साइन एक्स आ जाए या ई की पावर एक्स के साथ में कॉस एक्स आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसको सेकंड फंक्शन ना मानकर इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं. आप उल्टा करना चाहो उल्टा भी कर लोगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन. ये ओरिजिनल हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, बाई पार्ट्स में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का डीएक्स. ये हो गया कॉस एक्स डीएक्स. फर्स्ट फंक्शन इसको माना, सेकंड फंक्शन इसको माना, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे को ब्रैकेट में बंद करके पूरे का इंटीग्रल. ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. तो अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा e की पावर माइनस एक्स एज इट इज है, ये एज इट इज है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स. ये हो गया साइन एक्स, बीच में नेगेटिव साइन. इंटीग्रेशन d की पावर d बाय dx e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स. भाई ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही हो गया डिफरेंशियल, और फिर माइनस एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वन, तो बाहर माइनस साइन आ गया. ठीक है ना. अब देखिएगा, जब मैं कॉस एक्स को इंटीग्रल करूंगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स. फिर वही चीज, अब इस माइनस को बाहर ले लो, पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इस माइनस को बाहर लिया तो प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स. अब क्या करिए, अब इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए और फिर से मैं क्या करूंगा, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन. तो ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये तो एज इज लिखा जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इसको लिखेंगे एज इज प्लस. अब थोड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, क्योंकि अब मैं इसको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने वाला हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर माइनस एक्स एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगाइए,
डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन क्या है? साइन एक्स. साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद और टू ए का इंटीग्रल और बड़ा ब्रैकेट बंद. बताइए जी, ये जो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है दोबारा से, ये क्लियर है? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद डीएक्स लगा देंगे, मतलब पूरे का होल इंटीग्रल. ठीक है जी, समझ गए? इतना क्लियर है? हां यस सर. इतना क्लियर है? बताइए संजना, शिवांगी, नैना, अदिति. यस सर. ठीक है, नैना और अदिति क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर. यस सर. ठीक है, काजल. चलो जी, अब अगला देखते हैं कि जैसे ये हो गया तो ये i की वैल्यू आई, तो i इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स. e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब ब्रैकेट में ये e की पावर माइनस एक्स तो है ही, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स. ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, तभी तो माइनस साइन आया. कॉस एक्स बाहर माइनस का साइन है, लगा रहने दीजिए माइनस का साइन. इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? माइनस ई की पावर माइनस एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स और फिर डीएक्स. आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट में बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और फिर माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया. माइनस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स. ये था मेरे पास आई, तो इसको आई लिख देंगे. आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई और प्लस सी वन लिखो यहाँ पर. ठीक, अगले माइनस आई को इधर ले आओ, तो आई प्लस आई कितना हो गया? टू आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन. अब इसको नीचे ले जाओ, तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन अपॉन टू. वैल्यू आ गई ना? अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन. पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट. तो y इनटू e की पावर माइनस x, y इनटू e की पावर माइनस x, ये हो गया. और फिर ये जो पूरा है ये i ही तो है, इस i की ये वैल्यू आई है is equal to e की पावर माइनस एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन अपॉन टू प्लस सी. ये सी वन अपॉन टू प्लस सी, इसको एक कॉमन ही कॉन्स्टेंट बोल दीजिए, सिर्फ सी. वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी. बता दीजिए जी सभी को, क्लियर है कि नहीं? सर दोबारा बता देने पर वो e i वाले से. अभी बता रहा हूँ.
कौन सा वाला दोबारा बताना, कौन सा? थर्ड पार्ट में सेकंड वाला आई, थर्ड पोर्शन में सेकंड वाला आई। अच्छा इधर क्या, इधर वाला? हाँ सर, ये वाला जिस पे हाथ आपका, इस पे सेकंड वाला आई, ऊपर से सेकंड वाला, ये वाला। ये पहले e की पावर माइनस x sin x माइनस e की पावर माइनस x cos x, तो इन दोनों में से e की पावर माइनस x बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा sin x माइनस cos x, ठीक है? और ये जो है ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, ये ऐसे कैसे आया भाई? d by dx ऑफ e की पावर माइनस x क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल वो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, तो ये हो गया माइनस e की पावर माइनस x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स के इंटीग्रल की जगह माइनस कॉस एक्स, और इधर ये डी एक्स था, ये डी एक्स आ गया, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस 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 क्या हो गया? माइनस माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये जो वैल्यू है ना ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है आई के बराबर, ठीक है? ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ये आई के बराबर था, तो इसकी जगह मैंने आई लिख दिया विद माइनस साइन, ये माइनस आई जब इधर चला जाएगा तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? टू आई ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन, ये हो गया। बताइए क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। और बताइए जी बाकी सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर, यस सर। ठीक है जी, इसको आप इसके क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, अभी तो खैर मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट क्लास आपकी कल नहीं ले पाऊंगा मैं, आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी, परसों होगी, सॉरी ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे को होगी, कल नहीं ले पाऊंगा, परसों नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? तो आपका जो अभी मैंने थर्सडे का ऑफ किया था, वो थर्सडे का ऑफ मैं नेक्स्ट संडे को या नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो टाइम आप लोगों को कंफर्टेबल होगा उस हिसाब से मैं कर दूंगा वो कंपनसेट, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, और दूसरा मैंने आज मैसेज कर दिया था, जो कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने मेरे को बोला है जिनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि सर वो मेरे को करवाना है, तो उनके लिए मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ और आज से ही स्टार्ट करूंगा, डिफरेंशिएशन करवाऊंगा और इंटीग्रेशन करवाऊंगा, तो अगर किसी भी बच्चे को करना हो तो वो मुझे बता दें, और जो वो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो मैंने आपको ग्रुप पर मेंशन कर दिया है, ठीक है? तो अगर किसी को भी करना हो तो वो मेरे को बता दे, मैं आज शाम को ही 7 बजे से वो स्टार्ट कर रहा हूँ, और टाइम उसका वैनी करेगा, आज मेरे पास टाइम है तो शाम को 7 बजे करा रहा हूँ, नहीं तो कभी सुबह 7 बजे कभी सुबह 8 बजे, वो मैं 2-3 जितने भी बच्चे होंगे उनसे पूछ के उनके कम्फर्ट के हिसाब से ही टाइम रखूंगा, ठीक है? तो मेरे को अगर किसी को भी करना हो तो प्लीज बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। ओके जी, बाय, थैंक यू सर। ओके ओके।